बिहार की राजधानी पटना में बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे इन लोगों की मांग है कि जूनियर इंजीनियर की बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर हो, जिसको लेकर इन छात्रों ने गर्दनी बाग में आक्रोश मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनिश्चितकालीन धरना का 64वां दिन है। आप एक मानव हैं, इससे आप लोग ही सभी चैनल के लोग से मेरी एक प्रश्न है कि मैं 64 दिन इस गुजार दिया ठंडे में, ये जो कड़ाके की ठंड था कैसा महसूस कर रहे होंगे हम लोग। आज मुख्यमंत्री जी का एक भी डेलीगेशन, एक भी पदाधिकारी हमसे पूछने नहीं आया कि हम जिंदा हैं या मर गए। क्या ये निर्ममता से सरकार चला रहे हैं? ये हमारे 11 करोड़ जनता की सरकार नहीं है, मैं उनके लोग हूँ, मैं उनका आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का लोग नहीं हूँ। मात्र एक मांग जो हमारा है कि साहब जूनियर इंजीनियर की बहाली जो अपनी वाली अंक आधारित बनाए हैं उसको अंक आधारित से बदल करके हमको लिखित परीक्षा ले करके हमको रोजगार दीजिए। ना हम नौकरी मांग रहे हैं, ना परमानेंट कह रहे हैं, ना समान काम की समान वेतन मांग रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इन छात्रों की मांगों को पूरा करेगी या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।